फ्रेंड्स, और वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एसएसटी के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि सीटेट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ये, इनको आप जरूर कर लेना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है जी, तो हम शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो जो एलोरा गुफाएं हैं उसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो ए ऑप्शन है चोलों ने, बी ऑप्शन है पल्लवों ने, सी ऑप्शन है पालों ने, डी ऑप्शन है राष्ट्रकूटों ने। तो किन्नों ने करवाया था एलोरा गुफाओं का निर्माण? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, राष्ट्रकूटों ने। ठीक है जी, राष्ट्रकूटों ने एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? तो जो चोल युग था वो किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ए ऑप्शन है ग्रामीण सभाएं, बी ऑप्शन है लंका से व्यापार, सी ऑप्शन है धार्मिक सभाएं और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो चोल युग था वो किसके लिए प्रसिद्ध था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, ग्रामीण सभाएं। चोल युग जो है वो ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो जो चोल साम्राज्य था उसका संस्थापक कौन था? तो ए ऑप्शन है आदित्य, बी ऑप्शन है विजयालय, सी ऑप्शन है राजेंद्र और डी ऑप्शन है राज राजा। तो कौन था चोल साम्राज्य का संस्थापक? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, विजयालय। विजयालय जो था वो चोल साम्राज्य का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? तो रुद्रांबा एक प्रसिद्ध महिला शासक थी, तो कौन से राजवंश की थी वो? तो ए ऑप्शन है यादव, बी ऑप्शन है होयसाल, सी ऑप्शन है काकतीय, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, काकतीय। ठीक है जी, रुद्रांबा काकतीय राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो इनमें से बताना है किसने इक्तादारी प्रथा जो थी वो चलाई थी। तो ए ऑप्शन है तुगलक, बी ऑप्शन है इल्तुतमिश, सी ऑप्शन है फिरोज, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, इल्तुतमिश ने। ठीक है जी, इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा जो थी वो चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसको माना जाता है? तो भारत में अगर देखा जाए तो मुस्लिम राज का संस्थापक जो था वो किसको माना जाता है? तो ए ऑप्शन है इल्तुतमिश, बी ऑप्शन है बाबर, सी ऑप्शन है मोहम्मद गौरी और डी ऑप्शन है अकबर। तो किसको माना जाता है भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, मोहम्मद गौरी। ठीक है जी, मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो इनमें से बताना है कौन था जिसने खुद को अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो ए ऑप्शन है अकबर, बी ऑप्शन है महमूद गजनवी, सी ऑप्शन है मुबारक शाह खिलजी और डी ऑप्शन है ये सभी। तो कौन था इनमें से जिसने खुद को खलीफा घोषित किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, मुबारक शाह खिलजी। ठीक है जी, मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण देवराय इनमें से किसके समकालीन थे? तो जो कृष्ण देवराय थे वो इनमें से किसके समकालीन थे? तो ए ऑप्शन है हुमायूं, बी ऑप्शन है शेरशाह, सी ऑप्शन है बाबर और डी ऑप्शन है अकबर। तो कृष्ण देवराय इनमें से किसके समकालीन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, बाबर के। ठीक है जी, कृष्ण देवराय बाबर के जो थे समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ पर थी? तो जो यादव सम्राट थे उनकी राजधानी कहाँ पर थी? तो ए ऑप्शन है कल्याणी, बी ऑप्शन है वारंगल, सी ऑप्शन है देवगिरी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ पर थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, देवगिरी में। ठीक है जी, यादव सम्राटों की राजधानी देवगिरी में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो आगरा नगर था उसकी स्थापना की गई थी तो किसके द्वारा की गई थी? तो ए ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, बी ऑप्शन है सिकंदर लोदी, सी ऑप्शन है फिरोज तुगलक और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, सिकंदर लोदी। ठीक है जी, आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जो लोदी वंश का अंतिम शासक था वो कौन था? तो ए ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, बी ऑप्शन है दौलत खान लोदी, सी ऑप्शन है सिकंदर लोदी, डी ऑप्शन है बहलोल लोदी। तो लोदी वंश का अंतिम शासक, आखिरी शासक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, इब्राहिम लोदी। ठीक है जी, इब्राहिम लोदी जो था वो लोदी वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी जो स्थापना थी वो कब हुई थी? तो ए ऑप्शन है 16वीं सदी, बी ऑप्शन है 15वीं सदी, सी ऑप्शन है 14वीं सदी और डी ऑप्शन है 13वीं सदी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो थी वो किस सदी में हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, 14वीं सदी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं सदी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखे थे? तो कृष्णदेव राय ने इनमें से कौन था जिसके साथ बड़े अच्छे संबंध बना के रखे हुए थे उसने मित्रतापूर्ण? तो ए ऑप्शन है फ्रेंच, बी ऑप्शन है ब्रिटिश, सी ऑप्शन है पुर्तगाली और डी ऑप्शन है डच। तो किसके साथ कृष्णदेव राय ने अपने उसके साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाए थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, पुर्तगाली के साथ। ठीक है जी, पुर्तगालियों के साथ जो था कृष्णदेव राय ने बड़े अच्छे संबंध बना के रखे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो इनमें से बताना है कौन सा सुल्तान था जिसने की अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो ए ऑप्शन है बलबन, बी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक और डी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इनमें से कौन सा सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था? तो जो लोधी वंश था उसका जो सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिशाली जो सुल्तान था वो कौन माना जाता है? तो ए ऑप्शन है सिकंदर लोधी, बी ऑप्शन है बहलोल लोधी, सी ऑप्शन है इब्राहिम लोधी और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था इनमें से? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, सिकंदर लोदी। लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान जो था वो सिकंदर लोदी था।
ठीक है जी। तो फ्रेंड्स ये SST के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि CTET के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनको आप जरूर कर लेना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे, ठीक है जी। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।